हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू गुलेल बाज लड़का चैप्टर सेकंड। इन यस्टरडे वीडियो हमने ये चैप्टर फुल नहीं पढ़ा था, हमने ये इस चैप्टर के 3 पेजेस पढ़े थे, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। सो ओपन पेज नंबर 22। अब मेरी समझ में आया क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। ज़रूर हर दिन चील घोंसलों पर झपट्टा मारती रही होगी। बोधराज कह रहा है कि अब मेरी समझ में आ गया है कि हर जगह मांस और पंख के लोथड़े क्यों बिखरे रहते हैं। ज़रूर चील हर रोज़ आती होगी। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फ़र्क पड़ता है अगर चील मैने के बच्चे को मार डालती या बोधराज अपनी गुलेल से मार डालता। बोधराज बार बार सोचता है कि क्या फ़र्क पड़ता अगर जो मैं मार देता उसे और चील मार देती। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैने का घोंसला नोच डालता। ये उसका फ्रेंड कह रहा। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध लिया। चील को मारने के लिए उसने गुलेल उठाई। चील को मत छोड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। उसका फ्रेंड कह रहा है चील को मत छोड़ना, वह तुम पर झपट जाएगी, झपट्टा मार लेगी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर नीचे सिर किए घूरने लगी। वो निशाना नहीं लगा, वो कंकड़ की छत पर टकरा लगा और उसका निशाना बोधराज का चूक गया। तो फिर वो बड़े बड़े पंख फैलाकर ऐसे घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर, उसका फ्रेंड कहते हैं चलो यहाँ से निकल चले। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी, बोधराज कहता अगर हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वो अटपटा इसलिए लगा क्योंकि वो तो चिड़ियों को मैनों को मारता था, स्वयं ही तो घोंसले तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। और अब ये कह रहा है कि अटपट वो हम नहीं छोड़ सकते इनको। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थाम दी और जेब में 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली में पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, वो कह रहा है। बोधराज कहता अपने फ्रेंड को कि तुम चील पर वो गुलेल चलाते रहो, उसे बैठने नहीं देना। उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। जो दीवार के साथ मेज रखी थी वो फर्श के बीचों बीच ला दी। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था, उसका फ्रेंड कहता मेरे को गुलेल नहीं चलानी आती। 2 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम की दूसरी शहती पर जा बैठी। वो वहाँ कहीं और जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैने के घोंसले के नीचे ले आया, फिर उसने टूटी हुई कुर्सी फिर बोधराज ने मेज था ना वो मैने के घोंसले थे उनके बीचों बीच रख दिया और टूटी हुई कुर्सी चढ़ा के और उस पर जा खड़ा हुआ, टूटी हुई कुर्सी पर खड़ा हो गया। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया, धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरा और मेज आ गए और घोंसले को थामे ही छलांग लगाती। ने घोंसले पकड़ के धीरे धीरे कुर्सी से उतरे, ने वो नीचे आ गया। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। उनका साइड में एक गैराज भी था,
गैराज में एक बड़ा दरवाज़ा था, बहुत एक बड़ा सा दरवाज़ा था था और दीवार में एक छोटा सा छरोका था। छरोका यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती थी। बोधराज ने कहा, इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैने के बच्चे चुप हो गए, वो रो रहे थे, अब चुप हो गए। बोधराज बेकस पर चढ़कर मैने के घोंसले में झांकने लगा। मैने सोचा, अभी ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिर, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कह रहे इनको जेब में डालकर घूमता मैं, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। अपने फ्रेंड को बोलता, थोड़ा पानी ले आओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंदे बूंदे पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे बच्चों को चोंच ऊपर उठाई हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला। वो कह रहे कि मैं बाहर गया, थोड़ा सी कटोरा में पानी ले आया और उस बोधराज ने उनकी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी डाला। बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, ना ही वह स्वयं उन्हें छुआ। वो कह रहे कि बच्चों को मत छुओ, कहीं पता वो डर जाए। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, बोधराज ने पूछा। वो कहते, अब इनके माँ बाप यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, वे इस झरोके में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी जेब में और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चूगा भरकर लाया था। और हम दोनों देर तक मैने के बच्चे को चूगा डालते और करतब देखते रहे। मैने के बच्चे कुछ कुछ कर रहे थे और वो बहुत देर तक बैठे रहे। सो ये चैप्टर लिखा था भीष्म साहनी ने। तो अब मैं आपको शब्द पिटारा कराऊंगी। ओपन योर पेज नंबर 19। फर्स्ट इज जालिम। जालिम मैंने बताया था बहुत करूर एटीट्यूड, और है निर्दय, इसका दो मीनिंग है। राक्षस असुर और दैत्य, असुर और दैत्य। ओपन योर पेज नंबर 20। गोदाम, जहाँ सामान एकत्रित कर रखा जाता है, मतलब गोदाम में बहुत सारा सामान रखा जाता है। निरी बेबस, मतलब मासूम। अपने पेज नंबर 21। मटर ग्रस्ती, मतलब मौज मस्ती कर रहे थे। निश्चित, बिना हिले एकदम स्थिर खड़े हो। अपने पेज नंबर 22। संतुलन, दो वस्तुओं में समानता होना, मतलब संभालना अपने आप को। लास्ट इज ओपन पेज नंबर 23। चूगा, चिड़ियों का दाना, जो आप देखते होंगे चिड़ियों का दाना तो सबको ही पता, कई लोग चिड़ियों को रोटी डालते हैं, कई दाना डालते हैं। सो बाय स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बैक एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कराऊंगी। बाय।